आपको सोडियम जो क्लोराइड है NaCl के अंदर उपस्थित क्लोराइड गैस अम्ली प्रवृत्ति की है या क्षारीय प्रवृत्ति की है, इसका पता लगाना बताएंगे अलग अलग तरीकों से। ये हमने लिया नमक और नमक को टेस्ट ट्यूब में डाल दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड इसमें डालेंगे। सल्फ्यूरिक एसिड बहुत सावधानी से डालना है। ये सल्फ्यूरिक एसिड डालते से ही देखिए कैसी गैस बाहर निकल रही है ना। अब हम क्या करेंगे, जल्दी से जो पीएच पेपर होगा उसको गीला करेंगे और इस परख नली के मुंह पर ले आएंगे। और हम इसको भी रखिए आप, कलर परिवर्तन का अध्ययन करेंगे। फिर क्या करना है कि दूसरी टेस्ट ट्यूब में, चलिए अब ध्यान इस तरफ, कैमरा इस तरफ कीजिएगा, उसको पास ये देख रही है। ये हमने वाटर डाल दिया टेस्ट ट्यूब के अंदर और जो पीएच यूनिवर्सल इंडिकेटर है इसकी एक या आधी ड्रॉप इस परख नली के अंदर हम डाल देंगे। देखा कि पानी का पीएच क्या हो गया, चेंज हो गया, पानी का पीएच चेंज हो गया। और इसको हम खंगाल लेंगे ताकि जो इंडिकेटर है वो पूरी तरह से मिल जाए, है ना। और ये पेपर क्या हो गया, इसमें भी यूनिवर्सल इंडिकेटर लगा हुआ है। अभी हम इसकी पीएच नाप लेंगे तो आप पीएच देख रहे हैं कि 7 आ रही है। टेस्ट ट्यूब की पीएच कैसी है, 7। मतलब इस टेस्ट ट्यूब के अंदर जो जल है वह कैसा है, उदासीन है। अगर इसका कलर लाल की तरफ अग्रसर होगा तो हम समझेंगे कि निकलने वाली गैस कौन सी है, अम्ली। तब हम क्या करते हैं, इस दोनों टेस्ट ट्यूब को जोड़ने की कोशिश करते हैं। इस तरह से जोड़ देंगे क्योंकि इसमें सब ड्राई मटेरियल है तो यह सामान्यतः ऊपर नहीं नीचे नहीं आने वाला है। तो इस तरह से हम गैस पास कर रहे हैं और टेस्ट ट्यूब को लॉक कर देंगे अंगूठी की सहायता से। बस सावधानी ये रखना है कि इस टेस्ट ट्यूब का जो मटेरियल है वो इसमें ना पहुंचे, सिर्फ गैस पहुंचे। इस तरह से धीरे धीरे गैस क्या कर रहे हैं, हम पास कर रहे हैं और होने वाले परिवर्तन का के लिए इंतजार करेंगे। जब इस टेस्ट ट्यूब, जो ऊपर वाली टेस्ट ट्यूब से निकलने वाली क्लोराइड गैस इसमें पहुंच जाएगी, उसका कलर कैसा हो जाना चाहिए, लाल। अगर लाल हो जाता है तब हम इस बैंड से मिला करके देखेंगे कि उसकी पीएच क्या है। अगर वो लाल पीएच की है तो हम समझेंगे वो अम्लीय है। अगर वह नीले तरफ आ जाती है तो हम समझेंगे क्षार है। तो फिर से बीच में प्रैक्टिस करके देखते हैं कि क्या हो रहा है। इस गैस लॉक कर देंगे और अब आप देख रहे हैं कि ये जो टेस्ट ट्यूब का रंग है कैसा हो रहा है, रेड हो रहा है। इससे यह सिद्ध होता है कि जो निकलने वाली गैस है वो कौन सी प्रवृत्ति की है, अम्ली। इसने उदासीन प्रवृत्ति को क्या बना लिया, अम्ल बना लिया। और इसकी पीएच कितनी प्राप्त हुई हमको, एक। पीएच कितनी है, एक। इससे यह पता चल रहा है कि निकलने वाली जो गैस थी वो कैसी थी, अम्ली। क्लियर। इसी तरह से हम इंडिकेटर लगा हुआ पेपर भी जब हम इसके मुंह पर लाते हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर लगा हुआ पेपर, तब भी यह कैसे हो जाता है, रेड कलर का हो जाता है। देखिए आप, यह थोड़ी देर में जब गैस से क्रिया करेगा तब वह लाल कलर का हो जाएगा। इसके लिए हम इंडिकेटर थोड़ा सा इसमें लगा लेते हैं। ये देखिए, जहां पर इंडिकेटर था वहां पर क्या हो गया, लाल। इसका मतलब ये है कि इस गैस ने इससे क्रिया कर लिया, देख पा रहे हैं आप। और जहां पर गैस नहीं पहुंच पाई उसमें इंडिकेटर का ही कलर दिखाई दे रहा है, और जहां पर गैस पहुंच पा रही है उससे वो कलर कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है। इससे भी यह पता चल रहा है कि निकलने वाली गैस की प्रवृत्ति कैसी है, अम्ली। तो इस तरह से अगर लाल रंग आए तो हम पहचान जाएंगे कि निकलने वाली क्लोराइड गैस क्या है, अम्ली। ओके, थैंक यू।